बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्वीट पोटैटो वाइन ग्रो करेंगे, तो उसके लिए हमने ये एक बल्ब लिया है। तो ये इस तरीके से है, हम इसको अब लगाएंगे, पानी में डिप करेंगे। उसके लिए हमको तीली चाहिए, तो ये तीन चार तीली आपने ले लेना है और तरतीब तरतीब से इसके अंदर आपने डाल देना है ताकि ये अच्छी तरीके से खड़े रहे और ज़्यादा डीप में ना जाए पानी की। तो आप वीडियो देखते रहे इस तरीके से, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, और एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे हम लगा देंगे। तो अभी आसानी से साथ इसके अंदर जाएगा और ये अंदर डीप में नहीं जाएगा, बस ऊपर रहेगा, बस इसको पानी से टच होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इसका 8 दिन हो चुका है और इसमें अब रूट बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा कि इसमें किस तरीके से रूट बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इधर एक रूट इधर से जा रहा है और इस तरीके से। तो मैं क्लियर करके दिखाता हूँ इधर से, ये वाला इधर से। तो ये तो जैसे जैसे मज़ीद इसमें और रूट बनना स्टार्ट होंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा। तो 12 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से है, मैं भी निकाल के दिखाता हूँ इस तरीके से। तो इसमें रूट और स्टेम बनना शुरू हो गई है इस तरीके से। तो जैसे जैसे ये और बड़े हो जाएंगे फिर हम इसको गमले में लगाएंगे, तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरीके से हैं, बहुत सारे इसके रूट बन रहे हैं और इसके स्टेम्स भी ऊपर जा रहे हैं इस तरीके से। ओके, और इसके साथ मैंने ये भी इसके साथ ही लगाया था, पूरे इसमें भी रूट आना स्टार्ट हो गए हैं इस तरीके से। तो आज इसका 15 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अभी इस तरीके से बहुत ग्रो हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा रूट बन चुकी है इस तरीके से। तो अब हम इसको गमले में लगाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे इसको। तो हम इसको गमले में लगा के फिर दिखाते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो चुका है ऐसे। हम इसको लगा के फिर दिखाते हैं। ये अब इसका फाइनली लुक है, ये इस तरीके से अब बड़ा हो चुका है। तो अब ये और भी ग्रोथ करेगा, ये 20 दिन का रिज़ल्ट है और 20 दिन में ये इतना बड़ा हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।